हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या HPSSC की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो अलग अलग पोस्टें निकाली गई हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के क्वालिफिकेशन को क्लियर करते हो आप उसको फिलअप कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, मेन मेन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना चाहते हो जो जीके स्टडी ऐप पर जो है वो लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में HPSSC के अंडर जाकर जो है आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग डेट की। तो आप कब से अप्लाई कर पाओगे, तो 10/4/2021 से जो है वो आप अप्लाई कर पाओगे और लास्ट डेट जो है वो 9/5/2021 है। 9/5/2021 तक जो है आपको इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई कहां पर जाकर करोगे, जो नए कैंडिडेट हैं HPSSC की वेबसाइट पर जाकर जो है आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये जो वेबसाइट दी गई है इसको आप पूरी तरह से टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो 9/5/2021 जो है वो लास्ट डेट रहेगी। बाकी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता होती है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 ईयर जो है वो एज लिमिट रखी गई है। अगर आप इसके अंडर आते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किस तरह से अप्लाई करना है पूरी डिटेल यहां पर दी गई है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार जरूर रीड कीजिएगा। बट मैक्सिमम कैंडिडेट ने जो है वो पहले भी एग्जाम को फिलअप किया है HPSSC के अंडर, या फिर अगर आपकी पुरानी आईडी बनी है तो आप उसी आईडी को ओपन करके जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चलेंगे पोस्टों के ऊपर कि कौन कौन सी पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं। सबसे पहले बात करें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जो आपकी सैलरी है 10,300 से 34,800 है, प्लस 3200 ग्रेड पे है, 13,500 रुपए पर मंथ जो है वो स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर दिए जाएंगे। 3 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है और इसमें जो भी पोस्ट है वो एक्स सर्विस मैन की है, यहाँ पर आप देखोगे। ठीक है, तो जनरल की है 54 और आपकी एससी की है 17, एसटी की है 7 और ओबीसी की है 12। ठीक है, तो टोटल 90 पोस्ट है, बट किसी के लिए नॉर्मल नहीं है ये पोस्टें, ये सारी जो है वो आपकी एक्स सर्विस मैन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में फार्मासिस्ट की है एलोपैथी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और जो आपकी सैलरी है वो यहाँ पर लिखी गई है। और उसके बाद अगर बात करें पोस्टों की, तो जनरल की जो है वो 32 पोस्ट है, मतलब कि जनरल यूआर की। ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एक्स सर्विसमैन की जनरल 11 है, ओबीसी नॉर्मल की जो है वो आपकी यूआर की 14 है, ओबीसी बीपीएल की 3 है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन की जो है वो 2 है, एससी यूआर की 16 है, एससी बीपीएल की आपकी 3 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है और एससी एक्स सर्विसमैन की 1 है, एसटी की 4 है, एसटी बीपीएल की 1 है और एसटी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर मतलब एक्स सर्विसमैन की सॉरी ये आपकी 1 है। तो टोटल 100 पोस्ट है जिसमें आपकी एससी ओबीसी जनरल सभी की पोस्ट आपको मिलेगी, साथ साथ आपकी एक्स सर्विसमैन की और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पोस्ट भी आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने बी फार्मा वगैरह किया है तो आप इसके लिए जो है वो जरूर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट की अगर बात करें हॉर्टिकल्चर में निकली है आपकी बी कीपर की, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और जनरल की 3 है, एससी की 1 है, टोटल 4 पोस्टें निकली हैं। इंडस्ट्रीज में बात करें डेवलपमेंट ऑफिसर की निकली है सेरिकल्चर की, ठीक है, और इसमें जनरल की 2 पोस्टें निकली हैं। और अगर बात करें एचपी फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स की, तो इसमें मेंटेनेंस सुपरवाइजर की निकली है जिसमें जनरल की जो है वो 1 ही पोस्ट दी गई है। ठीक है, एचपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की बात करें तो इसमें टोटल 2 पोस्टें हैं, एक ईडब्ल्यूएस की और एक एससी, मतलब की जो आपकी अनरिजर्व्ड होती है। अगले की बात करें एचपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इसमें ऑक्शन रिकॉर्डर की है, जनरल की 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और ओबीसी की 1 है, टोटल पोस्टें जो है इसमें 6 है। एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और इसमें जूनियर जेई की निकली है सिविल की, टोटल 5 पोस्ट है जिसमें आपकी ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है और ओबीसी की 1 है। सैलरी जो होगी वो 16,250 रुपए आपकी जो है वो 3 साल तक, मतलब की कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जितना रहता है उतने पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो आपकी एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इलेक्ट्रीशियन की है और इसमें जो है वो 2 ही पोस्ट है, एक आपकी जनरल की है और एक आपकी जो है वो आप ओबीसी की है अनरिजर्व्ड की। फॉरेंसिक सर्विसेज की बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो 1 पोस्ट है आपकी एससी की। उसके बाद बात करें अगर वेरियस डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, जिसका हाल ही में ही आपने एग्जाम दिया था, तो आईटी की दोबारा से पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं, जिसमें आपकी टोटल अगर बात करें तो 23 पोस्टें हैं और इसमें एम्पावरमेंट ऑफ एससी ओबीसी माइनॉरिटीज एंड द स्पेशल एबल्ड इस डिपार्टमेंट जो है उसमें आपकी 6 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 4 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में आपकी जनरल की वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है और एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। ठीक है, डीसी सोलन में जनरल अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, प्रिजंस में जो है वो आपकी ओबीसी की अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, सेटलमेंट ऑफिस शिमला में जनरल की जो है वो 2 पोस्टें हैं अनरिजर्व की और एसटी की जो है वो आपकी अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जनरल की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, अनरिजर्व हैं दोनों, और प्रोसिक्यूशन में आपकी जो है वो टोटल 8 पोस्टें हैं, जनरल की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 1 है, एस
सी बीपीएल की एक है, ओबीसी की जो है वो आपकी अनरिजर्व की एक है और ओबीसी बीपीएल की एक है, ठीक है। तो टोटल 23 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में लॉ ऑफिसर की है और ओनली फॉर ये एचआरटीसी इंप्लॉयज के लिए है, जनरल की एक पोस्ट है। उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2, इसकी जो है वो टोटल 29 पोस्ट निकली है, बट जितनी भी है वो एक्स सर्विस मैन के लिए है। तो जनरल की एक्स सर्विस मैन की 18 है, एससी की 5 है, एसटी की 2 है और ओबीसी की आपकी 4 है, ठीक है। हिमुडा में जो है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की निकली है, 6 पोस्ट है, जनरल की 4, अनरिजर्व की ईडब्ल्यूएस की 2। स्टेनोटाइपिस्ट की निकली है सेम डिपार्टमेंट में, जिसमें आपकी 3 पोस्ट है, जनरल की 1 है, एससी की 1 है, अनरिजर्व दोनों और ओबीसी अनरिजर्व की 1 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट जनरल की जो है वो स्पोर्ट्स की निकली है इसमें, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा जो होता है 6 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करें आपकी ऑप्थाल्मिक ऑफिसर की, इसमें स्पोर्ट्स वाला ही है, ये भी आपकी 2 पोस्ट निकली है जनरल की। फिर फार्मासिस्ट की एलोपैथी में निकली है स्पोर्ट्स की, ये आपकी 6 है, जनरल आपकी जो कैटेगरी होती है। फिर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई, इसमें आपकी जो है टोटल 3 पोस्ट निकली है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जनरल की 2 है, एससी यूआर की जो है वो 1 है। हिमुडा में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की निकली है 1 पोस्ट जनरल की, अनरिजर्व की। और जूनियर ऑफिसर एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, इसमें भी जनरल की अनरिजर्व की 1 पोस्ट निकली है, ठीक है। उसके बाद प्रिजनर्स वाले में जो है डिपार्टमेंट में जूनियर टेक्नीशियन की या टेलर मास्टर की 1 पोस्ट निकली है जनरल की, और उसी डिपार्टमेंट में आपके जो है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, ठीक है, 4 पोस्ट निकली है, जनरल की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और एससी अनरिजर्व की जो है वो 1 निकली है, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन सी पोस्ट के लिए, ये आपको जो है वो एक बार रीड कर लीजिएगा ऐप में जाकर या फिर आपके पास पहले से ही है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एचपी फायर सर्विसेज में फायरमैन की निकली है जनरल की 17 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी अनरिजर्व की 9 है, एससी बीपीएल की 1 है, एसटी अनरिजर्व की 1 है, एसटी बीपीएल की 1 है और बाकी 43 पोस्ट जो है टोटल निकाली गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपकी 1 पोस्ट है जो की जनरल की है, ठीक है। क्लर्क की पोस्ट निकली है वेरियस डिपार्टमेंट में, टोटल पोस्टों की बात करें 10 है, जिसमें डिप्यूटी कमिश्नर सोलन यानी कि डीसी ऑफिस जो है वो आपका सोलन, इसमें 4 पोस्ट निकली है, एससी की 1, ओबीसी की 2 और ओबीसी बीपीएल की 1। डिप्यूटी कमिश्नर ऊना में 4 पोस्ट निकली है, टेक्निकल एजुकेशन में आपकी 1 पोस्ट निकली है और एचपी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट में जो है वो आपकी 1 पोस्ट निकली है। तो टोटल 10 पोस्टों के लिए आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो 9 पोस्ट निकली है, ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये सारी पोस्टें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पंचायती राज में हॉस्टल वार्डनर की 2 पोस्ट निकली है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 1 एससी की निकली है, रिजर्व की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की जनरल की 1 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल की जो है वो 10 पोस्ट निकली है, सारी जो है वो एक्स सर्विस मैन के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 2, 4, 2 और 2 पोस्ट है। और रेवेन्यू में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जनरल की यूआर की जो है वो 3 पोस्टें निकली हैं, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए ज्यादा पोस्टें यहाँ पर निकली है, मतलब ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक एक दो दो है, बट मैक्सिमम जो है यहाँ पर ये दिखाया गया। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं नोटिफिकेशन में, जिसके लिए भी आप भरना चाहते हो आप उसके लिए अप्लाई देख लेना, ठीक है। उसके लिए आप जैसे कि आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो है वो प्लस 2 और फिर आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास प्लस 2 साइंस से होनी चाहिए, फिर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और आप रजिस्टर होने चाहिए फार्मेसी काउंसिल में, ये चीजें तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जिस भी पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई करोगे उसका आप नोटिफिकेशन से एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और उसके बाद अगर आगे बात करें, ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल जूनियर ऑफिसर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएट और फुल डिप्लोमा मांगा गया है। और उसके बाद फायरमैन के लिए जो है वो आपका मेंबर ऑफ हिमाचल होम गार्ड, ये आपको पता ही था, उसमें दिया गया है। क्लर्क के लिए आपको क्या करना है कि प्लस 2 एग्जामिनेशन अगर आपने किया है, ठीक है, और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, बस इतना ही जो है वो मांगा गया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आगे देख लेते हैं हॉस्टल वार्डन प्रेस ड्यूटी, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा जो भी आपको जिसके भी अकॉर्डिंग आपको भरना है। एग्जाम आपका 85 मार्क्स का होगा, वही 170 वाला क्वेश्चन जो कि आप अभी जेओए में देख आए हो, वही पैटर्न फॉलो होगा। 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एक आधे मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे दिया जाएगा, ठीक है। 893 से 902, 904 से 906, 911 से 914 और 917 से 919, 921 से 924, इनके सभी का जो पैटर्न रहेगा वो 120 क्वेश्चन आपके फील्ड से आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके पास हिमाचल करंट अफेयर और इंडियन जीके के आएंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा किसके थ्रू आप कौन सा भर रहे हो पेपर, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप बैकवर्ड एरिया से हो तो 1 नंबर उसका मिलेगा, लैंडलेस फैमिली है 1 नंबर उसका मिलेगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है 1 नंबर उसका मिलेगा और सभी जो है आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 40% आपके पास डिसेबिलिटी है तो 1 नंबर उसका मिलेगा, एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 नंबर उसका मिलेगा, बीपीएल फैमिली है तो 2 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे, ठीक है।
मतलब कि जो उसका बीपीएल का क्राइटेरिया होता है वो आप फुलफिल कर रहे हो और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो। विडो, डाइवोर्स्ड, डिस्टिट्यूट, सिंगल वुमेन है, एक नंबर उसका मिलेगा। सिंगल डॉटर ऑर्फन है, एक नंबर उसका मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग करी है 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू पोस्ट अप्लाइड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, मतलब रिलेटेड पोस्ट से आपने कहीं पर ट्रेनिंग की है, एक नंबर उसका मिलेगा। या फिर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो 2.5 मार्क्स आपको जो है वो उसके मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। 15 मार्क्स का आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा। अगर बात करें फीस की तो ₹360 जनरल कैटेगरीज EWS एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, ठीक है, और जनरल IRDP फिजिकली हैंडीकैप, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, इसकी फीस जो है वो ₹120 है। फिर आपके पास SC of HT, मतलब कि SC of HP, फिर HT OBC, ST BPL, ठीक है, जो भी EWS है, अदर कैटेगरीज है, ₹120 उनकी। फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, ठीक है, ये आपकी कोई भी फीस इनकी नहीं लगेगी। ऑनलाइन फीस आपको सबमिट करानी है और बाकी यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन को फिल करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जीके स्टडी ऐप में आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।